इतने दिनों से जो आशंकाएं थी वो आखिरकार जमीन पर सही साबित होती नजर आई है। एक एक तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन के एयरपोर्ट पर गिरती हुई मिसाइल है। इतने करीब से आपने कभी एक मिसाइल को नहीं देखा होगा, एक इमारत को इस तरीके से ध्वस्त करते हुए। रूस की ओर से दागी गई ये मिसाइल जो यूक्रेन के एयरपोर्ट को तहस नहस कर चुकी है, यानी दुनिया से संपर्क किस तरीके से यूक्रेन का रह जाएगा वो एक बहुत बड़ा सवाल इसके बाद रह जाता है। मौसम किस तरह का है वहां पर, बादल और हल्की हल्की बारिश की तस्वीरें भी हम आपको बाकी विजुअल्स में दिखा रहे हैं। यहां जो आप देख रहे हैं ये धुएं के गुबार के ऊपर से होता हुआ, कुछ बादलों के ऊपर से होती हुई एक मिसाइल जाती है और सीधे एयरपोर्ट को नष्ट कर देती है, जिसके बाद जो अगली तस्वीर वहां से आती है लोगों के पलायन की, कि शहरों को किसी तरीके से छोड़कर भागा जाए, बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस से बड़े बड़े सूटकेसों को लेकर अपनी जिंदगी को इनमें समेटकर गाड़ियों में बैठकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन से, किसी तरीके से देश की सीमाओं को छोड़कर, क्योंकि यूक्रेन में कोई ऐसा शहर नहीं रह गया है जहां पर वो महफूज रह सके, तो वहां की सीमाओं को छोड़कर दूसरे देशों में प्रवेश कर सके, क्योंकि इस इलाके का जो एक तरह से बंधुत्व रहता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, उसमें आप एक देश से दूसरे देश अपनी गाड़ी से जा सकते हैं और यही कोशिश यहां पर अधिकतर लोगों की है। लेकिन अगर आप वो तीसरी तस्वीर देखें जिसमें गाड़ियों का एक लंबा काफिला आपको नजर आ जाएगा, गाड़ियां ही गाड़ियां, देखिए कहां शुरू हो रहा है कहां अंत हो रहा है, कोई अपनी जगह से आगे नहीं हिल पा रहा। जो हाईवे है, मुख्य हाईवे वहां का, वहां की ये तस्वीर इस समय आप ये देख पा रहे हैं। बहुत देर से ट्रैफिक की यही स्थिति बनी हुई है, बहुत अधिक आबादी नहीं उस देश की, लेकिन उसके बावजूद लोग जब सारे के सारे सड़कों पर निकल आए बड़े शहरों में, तो आखिर वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप रिहायशी इमारत की बर्बादी भी देखेंगे, उस इमारत में किस तरीके से आकर मिसाइल लगी है, जिसके बाद आप पूरी जो बालकनीज है उन्हें ध्वस्त तो जरूर देख सकते हैं लेकिन इमारत को कोई नुकसान वैसा नहीं। अब देखिए यूक्रेन की तरफ जाने वाली सड़क देखिए, एक दो गाड़ियां, यूक्रेन से बाहर जाने वाली सड़क देखिए, गाड़ियां ही गाड़ियां जो अपनी जगहों पर बस खड़ी हैं, बेबस लाचार कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। सबको लग रहा है अपने परिवारों को किसी महफूज जगह ले जा पाए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, क्या इसके बीच में रूस का की कोई मिसाइल वहां पर आ सकती है, ये सारी आशंकाएं सबके मन में इस समय है। यूक्रेन की ये सारी तस्वीरें जो युद्ध की कहानी को बयान कर रही है, देखिए युद्ध के समय में केवल हथियारों से होने वाली बर्बादी नहीं होती है बल्कि उजड़े हुए ऐसे परिवार जो सड़कों पर आपको नजर आ जाते हैं वो भी होते हैं। दुनिया इतने दिनों से इस संघर्ष में हिस्सा लेने की बात इस हिसाब से कर रही थी कि हम पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह के लीडर हैं, किसी की चेतावनी नहीं, जो मन में ठान ली वो कर दिया। अब भारत की स्थिति यहां पर इतनी विकट है कि दोनों जो देश सामने लड़ रहे हैं वो इस तरह से हैं जैसे आपके दो दोस्त एक दूसरे से उलझे हुए हो।